लेटर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरा लेटर पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं लेटर का पॉइंट, लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन near your school. He letter to the collector of your district. He आपके जिले के जिलाधीश को पत्र लिखिए। To close the shop of wine, शराब की दुकान बंद करने के लिए। Near your school, आपके विद्यालय के समीप। कि आपके विद्यालय के समीप शराब की दुकान खुली हुई है, आप उसको बंद कराने के लिए अपने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? अब देखिए, स्कूल है तो स्कूल का छात्र ही रहेगा या लिखने वाला, ठीक है ना? आपके विद्यालय के समीप है तो लिखने वाला कौन हुआ? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपना एड्रेस लिख देगा। स्टूडेंट एड्रेस नहीं दिया गया है, या तो आप डा कलेक्टर लिख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्टर का कोई विभाग नहीं होता, सारे विभाग उसके अधीन होते हैं, तो डायरेक्ट जिले का नाम आ जाए। Go up there.
यहाँ तक तो आप उतारी लोगे, बना लोगे है ना लेटर सो फार विद तक। यहां से देखते हैं कि दिस शॉप की यह दुकान इज ए न्यूसेंस, एक मुसीबत है फॉर दिस लोकलिटी, इस बस्ती के लिए, कि यह दुकान इस बस्ती के लिए एक मुसीबत है। दिस इज अनडिजायरेबली, अनडिजायरेबली का मतलब होता है अवांछित रूप से, कि यह इज अनडिजायरेबली लोकेटेड, लोकेटेड मीन्स स्थित होना, कि यह अवांछित रूप से स्थित है नियर आवर स्कूल बिल्डिंग, हमारे स्कूल के भवन के पास, कि यह हमारे स्कूल भवन के पास अवांछित रूप से स्थित है। ऑफन अक्सर द पीपल लोग इन ड्रंकन स्टेट, शराब पी हुई हालत में, कि अक्सर शराब पी हुई हालत में लोग आर फाउंड स्टैंडिंग, खड़े हुए पाए जाते हैं हेयर यहां, कि अक्सर शराब पी हुई हालत में लोग यहां खड़े हुए पाए जाते हैं। दे यूज, वे उपयोग करते हैं अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज मीन्स गाली गलौज की भाषा, कि वे गाली गलौज की भाषा का उपयोग करते हैं। इट, इससे पुट्स ए बैड इफेक्ट, पुट्स ए बैड इफेक्ट मीन्स बुरा प्रभाव पड़ना, कि इससे बुरा प्रभाव पड़ता है ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के विद्यार्थियों पर। इट इज आल्सो डेंजरस, यह खतरनाक भी है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, छात्र विद्यार्थियों के लिए, पासिंग दैट वे, उस रास्ते से गुजरने वाली, कि है उस रास्ते से गुजरने वाली छात्र विद्यार्थियों के लिए भी खतरनाक है। लेडीज, महिलाएं अवॉइड, बचती हैं गोइंग दैट वे, उस रास्ते जाने से, कि महिलाएं उस रास्ते जाने से बचती हैं। बैड स्मेल ऑफ वाइन, कि शराब की बुरी बदबू इज फेल्ट, महसूस की जाती है इवन इनसाइड द स्कूल कैंपस, कि स्कूल परिसर के अंदर भी, कि शराब की बुरी बदबू स्कूल परिसर के अंदर भी महसूस की जाती है। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले की जांच कीजिए। एंड टेक पॉजिटिव स्टेप्स, और सकारात्मक कदम उठाइए टू रिमूव दिस शॉप, इस दुकान को हटाने के लिए, और इस दुकान को हटाने के लिए सकारात्मक कदम उठाइए। नाम लिख दिया गया था एक्स वाई जेड, लिख दिया क्लास 12 लिख दिया। अब आता है लेटर टू द चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन अबाउट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की खराब आपूर्ति, इन योर बोर्ड। अपने शहर के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को पत्र किस बारे में, अबाउट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की खराब आपूर्ति के बारे में, इन योर लोकलिटी, आपकी बस्ती में, कि पानी पर्याप्त रूप से नहीं आता है नलों में। तो पता तो ये लिख देते हैं अशोक विहार पानी की, इसकी जगह कर देंगे।
देखिए यहाँ तक आप लिखियोगे, यहाँ से देखिए वाटर सप्लाई की पानी की आपूर्ति की जाती है ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, केवल कुछ मिनटों के लिए ही, एंड द टाइम ऑफ सप्लाई और आपूर्ति का समय इज नॉट फिक्स्ड, निश्चित नहीं है कि पानी की सप्लाई केवल कुछ मिनटों के लिए ही की जाती है और आपूर्ति का समय निश्चित नहीं है। सप्लाई ऑफ वाटर की पानी की सप्लाई इज स्टॉप, रोक दी जाती है एनी टाइम, किसी भी समय की पानी की सप्लाई किसी भी समय रोक दी जाती है। द अमाउंट, मात्रा किसकी, पानी की, इज सो स्मॉल, इतनी कम होती है दैट की इट इज हार्डली, हार्डली इज मुश्किल से ही, कि यह मुश्किल से ही इज सफिशियंट, पर्याप्त होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, पीने के उद्देश्यों के लिए, कि मात्रा इतनी कम होती है कि यह मुश्किल से ही पीने के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होता है। दिस इससे कॉजेस, कारण होना या उत्पन्न होना, कि इससे कॉजेस पैदा होती है ग्रेट इनकन्वीनियंस, बड़ी असुविधा टू द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकलिटी, बस्ती के निवासियों को, कि इससे बस्ती के निवासियों को बड़ी असुविधा पैदा होती है। वो याद आ रहा, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीड। अब है लेटर टू द असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऑफ योर टाउन, कि अपने कस्बे के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को पत्र लिखिए अबाउट फ्रीक्वेंट पावर कट, बार बार बिजली की कटौती, एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज के उतार चढ़ाव के विषय में, कि बार बार बिजली की कटौती और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के विषय में अपने कस्बे के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को एक पत्र लिखिए। तो यहां जाएगा क्या, अब द असिस्टेंट इंजीनियर इसको मैं शॉर्ट में रख देता हूं, JBVNL, you
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।